जय हिंद दोस्तों। जैसा दोस्तों आप सभी को पता चल ही गया होगा कि सीआरपीएफ में ट्रेडमैन और टेक्निकल के पदों पर दोस्तों भर्ती आ गई है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास क्या पढ़ाई होनी चाहिए, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, और इस भर्ती में दोस्तों आपके ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, और कौन कौन सी ट्रेडों पर दोस्तों ये भर्ती आई हुई है, यानी कौन कौन से इसमें आपको पद देखने को मिलेंगे। टोटल जो पद हैं वो दोस्तों आपके 9212 पद हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपके ऑनलाइन डेट की, कि आपकी जो ऑनलाइन डेट है वो कब से है। तो दोस्तों आपके जो इसमें ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने वाले हैं वो 27/3 से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने वाले हैं। 27/3/2023 से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों वो 25/4/2023 दोस्तों इसकी लास्ट डेट रहेगी। इस तारीख से दोस्तों आपके ऑनलाइन फॉर्म भर जाएंगे और 25/4/2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों आपकी एग्जाम डेट भी अभी दे दी गई है। तो दोस्तों आपका जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ऑनलाइन, इसमें एग्जाम होगा फर्स्ट फेज में, तो एग्जाम डेट भी अभी दे दी गई है। तो इसकी जो एग्जाम डेट है वो 1 जुलाई है। 1 जुलाई 2023 से दोस्तों आपके एग्जाम चलेंगे जो आपके 13 जुलाई तक चलने वाले हैं, यानी कि 13 दिन दोस्तों इसके आपके ऑनलाइन एग्जाम चलेंगे। 1 जुलाई से आपके स्टार्ट होंगे, 13 जुलाई को दोस्तों इसकी लास्ट डेट होगी एग्जाम की। इसके जो एडमिट कार्ड हैं दोस्तों वो आपके 20 जून को दोस्तों आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे एग्जाम के लिए। ये दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट डेट की बात हुई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको किस किस पदों पर ये भर्ती आई है, कौन कौन सी इसमें ट्रेड हैं, वो जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। तो इस भर्ती में दोस्तों पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम दोस्तों आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। इसमें दोस्तों एक पोस्ट है ड्राइवर की। यदि आप ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं के साथ साथ दोस्तों आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और एक पोस्ट है दोस्तों इसमें आपकी मोटर मैकेनिक की। यदि आप मोटर मैकेनिक में अप्लाई करना चाहते हैं तो मोटर मैकेनिक में दोस्तों आपको ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या कोई 2 साल का एक्सपीरियंस हो 2 ईयर का मोटर मैकेनिक में, तो आप जो है मोटर मैकेनिक की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको ड्राइवर के पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आपके पास जो है HMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि आपके पास आपको ड्राइविंग लाइसेंस में भी अप्लाई नहीं करना, सॉरी आपको ड्राइवर की पोस्ट पर भी अप्लाई नहीं करना, ना ही मोटर मैकेनिक की पोस्ट पर अप्लाई करना है। यदि आपको नॉर्मल जिसमें ट्रेड है जैसे कि दोस्तों आपकी कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बगलर, गार्डनर, कुकू, वाटर कैरियर, वाशरमैन, स्वीपर, इन सब पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ 10वीं पास की जरूरत पड़ेगी। यदि आप 10वीं पास तो आप 10वीं पास से ही अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। एज की बात करें दोस्तों, एज जो मांगी गई है, जो ड्राइवर की पोस्ट है उसके लिए जो एज मांगी गई है वो 21 से 27 साल मांगी गई है, और बाकी जो बाकी ट्रेडर बस्ती है सभी के लिए जो एज मांगी गई है वो 18 से 23 साल मांगी गई है। एज जो दोस्तों आपकी काउंट की जाएगी वो 1/8/2023 से काउंट की जाएगी, यानी कि जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 साल वो 1/8/2023 को होनी चाहिए। ये दोस्तों आपके ड्राइवर पोस्ट के लिए है, बाकी जो ट्रेडर बस्ती है दोस्तों उनके लिए 18 से 23 एज रखी गई है। उसके बाद में लंबाई की बात करें तो उसमें हाइट जो मांगी गई है नॉर्मल क्षेत्र से 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, और बाकी ST कैंडिडेट की 1.62.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। यदि आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं तब आपकी जो हाइट है वो 1.60 सेंटीमीटर मांगी गई है, और यदि आप नॉर्थ जो डोगरा, गोरखा, मराठा, सिक्किम और जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब क्षेत्र से आते हैं, लेह लद्दाख, इन सब क्षेत्र से आते हैं, तब आपकी जो हाइट है वो 1.65 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये दोस्तों आपका हाइट का क्राइटेरिया है। जो इसमें चेस्ट होना चाहिए वो आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और अदर के लिए 78 सेंटीमीटर चेस्ट मांगे, आप 5 सेंटीमीटर चेस्ट दो, सभी को फुलाना अनिवार्य होगा। ये दोस्तों आपका हाइट की बात हुई और चेस्ट की बात हुई, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दी है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, और कितनी पदों पर दोस्तों ये भर्ती हुई है, किस किस पोस्ट में दोस्तों आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों यहां तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कितने पदों पर किस किस स्टेट में दोस्तों आपको इसमें भर्ती देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको इसमें ड्राइवर की पोस्ट देखने को मिलेगी। ड्राइवर की क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, 10वीं पास प्लस 10वीं के साथ साथ दोस्तों आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी। तो ड्राइवर में दोस्तों आपकी टोटल जो पोस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए 2372 पोस्ट है। उसके बाद में अगली पोस्ट है दोस्तों आपकी मोटर मैकेनिक की। तो मोटर मैकेनिक की जो टोटल पोस्ट हैं दोस्तों 544 दोस्तों मोटर मैकेनिक की पोस्ट हैं। उसके बाद में कोबलर की बात करें तो दोस्तों कोबलर की जो टोटल पोस्ट हैं दोस्तों 151 टोटल पोस्ट हैं। मैं आपको जल्दी बताऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये जरूरी जानकारी है आपको भर्ती देखते हुए, यानी कि पोस्टर देखते हुए
फॉर्म अप्लाई करना चाहिए कि किसमें कितने पद है। आपको पता लगे आपने कारपेंटर में अप्लाई कर दिया, कारपेंटर में तो कुल 10 पद हैं, तो इसमें ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। तो आप, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 10 पद नहीं है, आप जो है पोस्ट देख लें पहले कि किसमें कितनी कितनी पोस्ट है, उसके बाद में फॉर्म अप्लाई करें। तो कारपेंटर में जो टोटल पोस्ट है वो 139 पोस्ट हैं। उसके बाद में टेलर की बात करें तो दोस्तों टेलर में जो पोस्ट हैं, टेलर में आपकी 242 पोस्ट हैं, मैं आपको सभी को बताऊंगा। उसके बाद में आपकी एक ट्रेड है ब्रास बैंड, इसमें दोस्तों आपको इतनी सभी ट्रेडों पर जो है फॉर्म भरने का मौका मिलेगा जितनी मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। ब्रास बैंड में दोस्तों 172 पोस्ट हैं। उसके बाद में एक इसमें पोस्ट ट्रेड है पाइप बैंड, पाइप बैंड में दोस्तों आपकी 51 पोस्ट हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो पाइप बैंड के बाद में दोस्तों आपकी पोस्ट है एक बगलर, इसमें दोस्तों एक मेरा दोस्त लगा था 2017 में भर्ती आई थी उस टाइम पे, तो इसमें दोस्तों 1340 पोस्ट हैं। उसके बाद में गार्डनर, गार्डनर में दोस्तों आपकी 92 पोस्ट हैं। उसके बाद में दोस्तों आपकी अगली पोस्ट है पेंटर, पेंटर में दोस्तों आपकी 56 पोस्ट हैं। उसके बाद में अगली पोस्ट है दोस्तों आपकी कुक और वाटर कैरियर, वाटर इन दोनों में दोस्तों एक साथ पोस्टें दी गई हैं, तो इन दोनों की कुल मिला के पोस्टें जो बनती हैं वो आपकी 2449 दोस्तों वाटर कैरियर और कुक की पोस्ट है। इनकी पोस्टों को अलग अलग डिवाइड नहीं किया गया है, एक साथ इसमें बताया गया है। उसके बाद में दोस्तों आपकी अगली ट्रेड आती है बार्बर, बार्बर में दोस्तों आपकी 811 पोस्टें हैं। उसके बाद में अगली पोस्ट आती है आपकी दोस्तों सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी में दोस्तों आपकी जो पोस्ट हैं, सॉरी दोस्तों बार्बर में जो है 311 हैं, सॉरी 303 पोस्ट हैं बार्बर में, और सफाई कर्मचारी में 811 पोस्ट हैं। तो आपको इतनी सारी ट्रेडों पर दोस्तों फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, आप जिसमें आप अपने पहले देख लें कि किसमें कितनी कितनी पोस्ट हैं, उसके हिसाब से आप किस ट्रेड में फिट रहते हैं, किस पोस्ट में दोस्तों आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, उसी में फॉर्म अप्लाई करें। टोटल दोस्तों आपके जो पद हैं, टोटल जो पद हैं दोस्तों वो आपके 9212 हैं। ये दोस्तों मैंने मेल कैंडिडेट के लिखवाए हैं, फीमेल कैंडिडेट को बहुत कम पद हैं तो मैंने उसको मेंशन नहीं किया है, बाकी फीमेल कैंडिडेट भी इन सारी पदों पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ड्राइवर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, और आपकी कुक की, अब कुक और वाटर कैरियर की, इन सब ड्राइवर के पोस्ट यदि आपको फॉर्म भरना है तो 10वीं पास प्लस दोस्तों 10वीं के साथ साथ दोस्तों आपके पास जो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बाकी मोटर मैकेनिक में यदि आपको अप्लाई करना है तो मोटर मैकेनिक में दोस्तों आपके पास 10वीं पास प्लस मोटर मैकेनिक का ITI का सर्टिफिकेट हो या 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, वो होना चाहिए। बाकी जितनी भी अदर ट्रेड है बस्ती है दोस्तों आपको यदि इन पर फॉर्म अप्लाई करना है तो इसमें दोस्तों आपको सिर्फ 10वीं पास से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या किसी ITI सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी 10वीं पास प्लस आपकी जो एज है वो 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। ये दोस्तों आपके क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। दोस्तों अब बात करते हैं, आपको आशा करते हैं कि सारी जानकारी समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, इस बार जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो दोस्तों पहला जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है इसकी लास्ट भर्ती 2017 में आई थी, उसमें एक मेरा दोस्त भी सिलेक्ट हुआ था, तो उसमें उस टाइम पे दोस्तों पहला फिजिकल था उसके बाद रिटर्न एग्जाम था, लेकिन अब उसको सिलेक्शन प्रोसेस को दोस्तों बदल दिया गया है। अब दोस्तों आपका पहले फेज की रिटर्न एग्जाम डेट भी आई हुई है, इसका जो एग्जाम है वो 1 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा। पहले फेज में दोस्तों आपका जो है इसमें एग्जाम होगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, पहले फेज में दोस्तों आपका जो है इसमें एग्जाम होगा। एग्जाम का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दोस्तों एग्जाम का जो सिलेबस है आपका, जिसमें दोस्तों आपकी रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, दोस्तों आपकी रीजनिंग आएगी, और 25 नंबर की दोस्तों आपकी मैथ आएगी, GK 25 नंबर की, और मैथ दोस्तों आपकी 25 नंबर की। उसके बाद में हिंदी या इंग्लिश जिससे आप हल करना चाहें, ये दोस्तों आपकी 25 नंबर की आएगी। इस तरीके से दोस्तों आपका 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, इसको हल करने के लिए आपको 120 मिनट की टाइमिंग मिलेगी, और इसमें 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोस्तों आपका फेज़ वन का जो है सिलेबस रहेगा। उसके बाद में जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनका दोस्तों फेज़ टू में दोस्तों फिजिकल होगा। तो फिजिकल जो होगा दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, मेल कैंडिडेट की जो रनिंग है वो इसमें 5 किलोमीटर रनिंग है, 5 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 24 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी, और फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग है वो 1600 मीटर है, 1600 मीटर रनिंग के लिए जो टाइमिंग दी जाएगी वो आपको इसमें टाइमिंग दी जाएगी आपकी 8.5 मिनट।
8:30 की टाइमिंग दी जाएगी। ये दोस्तों आपका फिजिकल का प्रोसेस है। उसके बाद में जो कैंडिडेट फिजिकल में क्वालिफाई होंगे उनका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में दोस्तों मेडिकल टेस्ट होगा। वो जानकारी दोस्तों सारी जानकारी हम आपको बाद में प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल दोस्तों आपके लिए फेज वन जरूरी है। आपका जो एग्जाम है वो 1 जुलाई का कंडक्ट कराया जाएगा। 1 जुलाई से दोस्तों आपके जो एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे। इसकी एग्जाम डेट भी आई हुई है और 20 जून से दोस्तों आपके एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। सिलेबस को नोट कर लीजिए। बाकी यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें। मैंने आपको बता दिया है कि मिनिमम एज 18 साल और आपकी मैक्सिमम एज ड्राइवर पोस्ट के लिए 27 साल रखी गई है। ड्राइवर पोस्ट के लिए दोस्तों 21 से 27 और बाकी जो ट्रेड हैं उसमें 18 से 23। ये दोस्तों आपका एज का क्राइटेरिया है। बाकी यदि आप चाहते हैं कि इसमें आपको छूट मिले, 3 साल की छूट दी जाए, क्योंकि ये जो भर्ती है वो 2017 के बाद में नहीं आई थी, तो आप हमारे साथ जो है ट्विटर पर कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। ट्विटर पर जाइए, ट्विटर का जो लिंक है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने एक ट्वीट किया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट कीजिए ताकि आपकी जो आवाज़ है वो सभी को पता चल पाए, आपकी जो आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठ सके, ताकि फिर देखते हैं कि उसमें आपको जो छूट मिलती है या नहीं मिलती है। फिलहाल आप सभी के लिए जो है हमने जो ट्वीट किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। बाकी इस भर्ती से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करें। ऑनलाइन स्टार्ट दोस्तों मैंने आपको बता दिया, 27 तारीख से दोस्तों आपके इसमें ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और बाकी दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो सारी जानकारी मैंने आपको आसान भाषा में समझा ही दी है। कोई डाउट बचे तो कमेंट करें और लगातार जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।